मेरे ही आत्मस्वरूप अखंड मंथन के सभी दर्शकों का अभिवादन है। अब गुरु जो 29 जून से चाइना की धनु राशि में आएंगे तो क्या होगा? तो जब गुरु और केतु साथ थे धनु राशि में, तब ये महामारी पनपी है। ऐसा भी कुछ ज्योतिषियों का मत है कि गुरु और केतु का साथ होना, या गुरु की जब केतु पर दृष्टि होती है, कुछ किसी भी प्रकार गुरु केतु का संबंध होता है तो महामारी फैलती है, ऐसा किसी किसी ज्योतिषी का मानना है। तो इस मान्यता को अगर ध्यान में लें तो गुरु जो है वो फिर से 29 जून से धनु राशि में केतु के साथ आएगा। तो ये चाइना के लिए क्या इसमें इस महामारी का सेकंड वेव शुरू होगा, ये प्रश्न मन में उठता है, ऐसी संभावना है। और सामने मिथुन राशि में उच्च का राहु है 23 सितंबर तक, तो मुझे लगता है कि 29 जून से 23 सितंबर का जो समय है ये चाइना के लिए बहुत ही खतरे का समय है। उसमें महामारी फैल सकती है, महामारी के कारण फिर से एक बार मानव संहार हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि अमेरिका या यूरोप या ये दोनों मिलकर फिर से चाइना में ये प्रतिशोध के रूप में कोई युद्ध की घोषणा कर दे, या अघोषित जीवाणु युद्ध भी प्रारंभ कर दें, ये भी हो सकता है। और इस कारण चीन में मृत्यु की संख्या बढ़ सकती है। गुरु केतु के कारण 29 जून से 23 सितंबर तक चाइना में अंतर विग्रह हो सकता है, और वहाँ जिनपिंग की जो कुर्सी है वो हिलने वाली है। और ये भी हो सकता है कि यूरोप और अमेरिका को निर्बल पाकर चीन भारत से या जापान से या तो वियतनाम से युद्ध की शुरुआत करने का दुस्साहस कर सकता है, और परिणाम स्वरूप और यूरोप और अमेरिका की खफगी उस पर हो सकती है। किसी भी प्रकार 29 जून से 23 सितंबर का समय चाइना के लिए ठीक नहीं है, वहाँ कुदरती आपदाएं भी आ सकती है और सामूहिक मानव संहार हो सकता है।